अगर आप मुंबई से या फिर पुणे से ये वीडियो देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एक सबसे ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है खोपोली माली। खोपोली फेमस है अपने नेचुरल सुंदरता के लिए और इसी के साथ साथ यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा एडलैब्स इमेजिका वाटर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क है। और अगर रिलीजियस वे में भी देखा जाए तो यहां पे अष्टविनायक 8 जागृत मंदिरों में से एक बल्लालेश्वर टेम्पल यहां पे लोकेटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहाँ पे 2 किले हैं, एक है सुधागढ़ और एक है सारसगढ़। और पूरे महाराष्ट्र से जो वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, देवकुंड वाटरफॉल भी यहीं पे लोकेटेड है। एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे कोलाड रिवर है जहां पे पूरे साल रिवर राफ्टिंग होती है। अब इतने सारे स्पॉट्स है तो जाहिर सी बात है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर एक रेरा रजिस्टर्ड एनए प्लॉट मिलता है जहां पे आप अपना खुद का बंगलो या फिर विला कर सकते हो या फिर सेकेंड होम कर सकते हो। तो दोस्तों इसी विसिनिटी के अराउंड मैं आज आपके लिए एक एनए रेरा रजिस्टर्ड प्लॉटिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो कि एक 300 एकड़ का हिल टाउनशिप है। और यहां पे ऑलरेडी 40 से 50 वेकेशन होम्स बन चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर कनेक्टिविटी है। चाहे आप मुंबई से आए चाहे आप पुणे से आए, यहाँ पे आने के लिए आपको 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो गोवा हाईवे लेके आप डायरेक्टली इस साइड पे आ सकते हैं। देखिए मैं इसमें आपने समझा देता हूँ। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो खालापुर का टोल लगेगा वहां से आपको एग्जिट लेना है। एग्जिट लेके आपको इमेजिका की तरफ आना है और इमेजिका से सीधा रास्ता 30 मिनट्स ड्राइव आप साइड पे पहुंच जाएंगे। दूसरी जो कनेक्टिविटी है वो है मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे जो कि NH66 हाईवे है। इस हाईवे पे आपको मिलेगा वाकन फाटा से सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और अगर आप पुणे की तरफ से आ रहे हो तो पुणे से आपको सेम एक्सप्रेस हाईवे लेना है टूवर्ड्स मुंबई और खालापुर टोल नाका से आपको एग्जिट लेके स्ट्रेट 30 मिनट्स ड्राइव टू द साइट। अब यहाँ से दूसरी कनेक्टिविटी है मुर्शी लेक की तरफ से। मुर्शी लेक होते हुए आपको तामिनी घाट पार करके आगे आना है और इसी रोड को कंटिन्यू आप करेंगे तो डायरेक्ट साइट पे पहुंच जाएंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट यहां से बस 30 मिनट के डिस्टेंस पे है और आपने मुंबई 3.0 कई बार सुना होगा जो सिडको कंपनी डेवलप कर रही है, वो भी यहां, उसकी बाउंड्री भी यहां से मात्र 20-30 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो अपने जगह पे है, आपको इसी प्रोजेक्ट में 2 वाटरफॉल्स मिलते हैं। अब ये पूरा 300 एकड़ का लेआउट है और इसके एक साइड से जहाँ पे ये पूरा सेक्टर्स लिखा हुआ है ये पूरा सह्याद्री माउंटेन से घिरा हुआ है
अब ये पूरे 300 एकड़ का जो लेआउट है, इसके सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सी सेक्टर, तो ये टोटल 26 एकड़ का एन ए प्लॉटिंग डेवलपमेंट है और इस पर्टिकुलर सेक्टर का लेआउट ये रहा। और अगर एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे काफी शानदार एमिनिटीज इन्होंने प्रोवाइड की है और कुछ एमिनिटीज तो रेडी भी है, ये देखिए। तो एमिनिटीज में आपको मिलता है इंडोर जिम्नेशियम, इंडोर गेम्स जैसे कि कैरम, स्नूकर्स, एयर हॉकी, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, आउटडोर लॉन्च, कम्युनिटी हॉल, को वर्किंग स्पेसेस, आउटडोर रीडिंग नुक, स्टार गेजिंग डेक, स्विमिंग पूल, बटरफ्लाई गार्डन, योगा वेलनेस सेंटर, गजीबो पार्क, आउटडोर जिम्नेशियम, आउटडोर बोर्ड गेम एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बारबेक्यू सर्कल, गेस्ट रूम फैसिलिटी, एमपी थिएटर, नेचर ट्रेल, ऐसे ही बहुत कुछ। अगर प्राइजेस और साइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस मिलेगा और अगर साइजेस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट से प्लॉटिंग स्टार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी FSI है, यहाँ पे आपको 1.7 का FSI मिलता है। दोस्तों ये एक NA RERA रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जो कि इंडिविजुअल 7/12 यहाँ पे मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप 2000,000 रुपए में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले सकते हो। मान लीजिए आप 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट अगर आप यहाँ पे परचेस करते हैं तो जो उसका बिल्टअप एरिया होगा, जो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं 7,500 स्क्वायर फीट का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और 4000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है वो सिर्फ आपको 40,00,000 में मिलेगा। अब 40,00,000 के प्लॉट में अगर आपको 7,500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा है। और एक जरूरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 40 से 50 वेकेशन होम्स बंगलोज बन चुके हैं और इसमें से कई सारे डेली रेंटल्स पे भी जाते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी लिस्टेड है जैसे कि Airbnb। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या फिर खुद के लिए भी वेकेशन होम देख रहे हो तो यहाँ पे किस तरह से आपको रेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, वो दिखा देता हूँ। ऑलरेडी जो बंगलोज रेंटल पोर्टल पे है वहाँ पे 15,000 रुपीज पर नाइट चार्ज लिया जाता है। तो इस हिसाब से पर ईयर आपका अगर बंगलो 90 नाइट्स भी अक्यूपाई रहता है तो आपका ग्रॉस रेवेन्यू 13,50,000 रुपीज हो जाएगा। इसमें से अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकाल दे फिर भी आपका नेट रेवेन्यू पर ईयर जो है वो 10,00,000 रुपीज आपको मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमने अपनी सरहदें बढ़ा दी है, हम पुणे के साथ साथ मुंबई, लोनावला, खोपोली, महाबलेश्वर, पंचगनी और भी आसपास के सारे ही रीजन्स के अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज ढूंढ के ला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे के चैनल से। धन्यवाद।